नमस्कार, घर परिवार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, फिर चाहे बच्चों की, बुजुर्गों की देखभाल हो या फिर घर के सारे काम। अगर महिला वर्किंग है तो फिर ये जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है और इन सब कामों को प्राथमिकता में रखती हैं महिलाएं, लेकिन नजरअंदाज करती हैं अपनी सेहत को। और सेहत को नजरअंदाज करने का नतीजा ये होता है कि कई बार जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और एक समय आने पर स्थितियां गंभीर भी हो जाती हैं। तो महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी जानकारियां हैं, जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, उन्हें कितना सजग रहना चाहिए और कुछ बचाव हैं जिन्हें वो अगर अपना लें तो आगे आने वाली जो गंभीर स्थितियां हैं उनसे बचा जा सकता है। आज के कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी अहम चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर विभा चतुर्वेदी शर्मा। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जन भी हैं। डॉक्टर विभा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत। डॉक्टर विभा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं स्वास्थ्य को तो नजरअंदाज करती हैं, बाकी सब काम वो प्राथमिकता में करती हैं और ये आदत बहुत लंबे समय से उनकी हो जाती है। हम बात करें अगर ओबेसिटी की शुरुआत जहां से होती है या किशोरावस्था में जब वो होती हैं तब से नजरअंदाज करना शुरू होती हैं और एक महिला बनने तक वो बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर चुकी होती हैं। तो मैं आपसे चर्चा का जो शुरुआत है, जानकारी जो लेना चाहेंगे वो यहीं से लेना चाहेंगे कि जब किशोरावस्था में बालिका जाती है, जब वो अवस्था होती है, तो वहां से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होते हैं, तो वहां से कैसे देखभाल शुरू करें? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। यहाँ पे बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी जागरूकता कम है क्योंकि हम उन्हें बच्चा ही मानते रहते हैं। बिल्कुल, जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सो उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो एक साइकोलॉजिकल अच्छा एनवायरनमेंट घर पे बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ उसके खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आज ये मानती हूँ ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि आजकल के बच्चे लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। पेरेंट्स जब सो जाते हैं तो स्विगी जोमेटो आपके लिए तैयार है घर पे, जंक फूड। बिल्कुल जी, तो आजकल के बच्चे जंक फूड भी बहुत खाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर्स ये ध्यान रखें कि बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, पेट भर के घर का खाना खाएं, उसके बाद एज ए रिवॉर्ड आप ऊपर से ये दे सकते हैं बट बहुत कम मात्रा में। बिल्कुल, मतलब बालिकाओं में जो हम बायोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं उसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं जिसको शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नहीं करते हैं फैमिली मेंबर्स भी और खुद बालिकाएं भी। जी, तो वो कैसे उसको समझें हम? उसमें ये उनके बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे ना चिड़चिड़ापन बढ़ता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी बहुत होती है उन बच्चों को, स्कूल अवॉइड करने लग जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया, अब बहुत खाने की बजाय और चीज़ें, जंक फूड उन्हें बहुत अच्छा लगने लग जाता है, लेट देर रात तक जगना और देर से उठना। तो ये जो एक डिसिप्लिन है ना, ये घर पे मदर और फादर दोनों मिलके लेके आने का, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि खाली फादर या मदर घर पर है तो वही ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लस उनके बिहेवियरल चेंजेस को भी नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए सुसाइडल रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉपर खाना, प्रॉपर स्लीप एंड साइकोलॉजिकली पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जी जी। ये सभी चीजें मिलकर के एक बालिका की जो आप कहेंगे अच्छा स्वास्थ्य बनाने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इन दोनों चीजों को समझते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि जो लाइफस्टाइल जो बिगाड़ लेते हैं किशोरावस्था में वही शायद कारण बनती है ओबेसिटी का। बिल्कुल, और उसकी वजह से ही शायद पीसीओडी जैसी समस्याएं बालिकाओं में भी और खासकर महिलाओं में भी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, एक लेथार्जी, लेथार्जी और आजकल सर्वेंट होते हैं लोगों के घरों में, पुराने टाइम पे सभी बच्चियों को काम कराते थे, मतलब मींस झाड़ू पोछा और बर्तन वाले काम, ये सब पहले होते थे, हम लोगों की मदर्स ने किए हैं। तो दे यूज टू बी वेरी स्लिम एंड फिट, अच्छे से रहते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल एक तो पढ़ाई का प्रेशर इतना है, हम बालिकाओं की शिक्षा पे बहुत ध्यान देते हैं, हम प्रेशर डालते हैं आपको पढ़ना है, तो ये एक अच्छी चीज है, पर वो लोग बैठे बैठे आजकल पढ़ाई का हो गया है, बाहर आउटडोर गेम्स खत्म हो गए हैं, जो है सब मोबाइल हो गया है। बिल्कुल, सो आपको स्क्रीन टाइम भी कट करना पड़ेगा इन बच्चों का। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए इन बच्चों में, एंड जंक फूड। तो तीन चीजें हो गई, स्क्रीन टाइम बढ़ना और आउटडोर गेम्स खत्म हो जाना और जंक फूड खाना, इन तीनों का अवॉइड करना, तीनों को ऐड करना है लाइफ में, इन तीनों को हटाना है और एक्टिविटी को ऐड करना है। एक्टिविटी को ऐड करना है डेफिनेटली। हम ओबेसिटी की बात करेंगे, ओबेसिटी खासकर एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे बच्चे, न सिर्फ लड़कियां, लड़के भी जूझते हैं ओबेसिटी से। तो ओबेसिटी और पीसीओडी, ये क्या दोनों कनेक्टेड? बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड है। ये जो बॉडी फैट होता है ना, ये मेल हॉर्मोन्स बनाने लग जाते हैं और वो जाके ओवरी के जो नेचुरल फंक्शनिंग होती है ना उसको खत्म करते हैं।
सो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, डिलेड होने लग जाते हैं. काफ़ी मदर्स को ये टेंशन रहती है क्योंकि आजकल बच्चे सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, उनको टेंशन रहती है कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है. बट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बॉडी ओनली. फैट जो है वो सही नहीं होता है बिल्कुल भी. अब इसके सारे इम्प्लीकेशन सिर्फ यही नहीं है कि आपके पीरियड डिले हो गए. आप देखिए आगे डायबिटीज इन लोगों को कॉमन होता है, इनको हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है, इवन यूट्राइन कैंसर के चांसेस भी पीसीओडी वाले फीमेल्स को ज़्यादा होती है. तो और इसका ध्यान रखना. और इनफर्टिलिटी, बेबी फ्यूचर में शादी होने के बाद आपको प्रेगनेंसी होने में भी डिफिकल्टी आती है. तो ये चीज़ें अभी से अगर समझें तो बेटर रहेगा, ताकि आप अपने को फिट रखें, पीरियड्स रेगुलर रहें, हार्मोनल इंबैलेंस ना हो. जी, बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर आप कह रहे हैं. तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं प्रोग्राम, हम बच्चों को लाड़ प्यार तो दें, उनकी देखभाल भी करें, लेकिन वो ओवर पैम्परिंग में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि ओवर पैम्परिंग के चलते आप उन्हें एक्सरसाइज के लिए मना करेंगे या घर के छोटे मोटे जो काम है उनमें आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे. बच्चा जो है वो स्टडी में या जैसे भी है वो सिटिंग ज्यादा कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारे कारण ओबेसिटी में कन्वर्ट होते हैं. और बहुत सारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पीसीओडी जैसी समस्या भी हो सकती है. तो बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए खासकर उनकी एक्टिविटी को बढ़ाना वो बेहद जरूरी है. आउटडोर गेम्स पढ़ाइए. जी जी. और खानपान में, जैसे किशोरों के लिए खानपान में क्या स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि न्यूट्रिशन भी बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो अपने को प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना होता है. ज्यादातर इंडिया में अपन शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें थोड़ा प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है. बट जितने भी दालों के प्रोडक्ट होते हैं, मटर है, दाल है, राजमा है, चावल है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये सब चीजें बच्चों के खाने पीने में ज्यादा होना चाहिए. इसी के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जी, तो वो भी होना चाहिए. भले ही चाहे आप थोड़ी सी अमाउंट में दीजिए उसको, किसी भी फॉर्म में, जैसे आटे में लगा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खाने में. सकते हैं आजकल तो यूट्यूब पे और नेट पे कैसे भी देख के बच्चे को जो पसंद आ रहा है किसी भी फॉर्म में आप दीजिए इनको. तो ये बहुत जरूरी है. प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने इंडियन डाइट में लैकिंग होती है. बाकी अपन जैसे घी बहुत खा लेते हैं, अपने लड्डू खूब बनते हैं, जैसे सर्दियां आ गई तो लड्डू बनने शुरू हो गए. सो दैट्स अ गुड थिंग. बट उसके अंदर, उसके साथ आप कुछ भी प्रोटीन बैलेंस कैसे करें, उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स काफी सारे डाल सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वो दिया जा सकता है, वो अच्छा है. तो जो भी अपन बच्चे को दे रहे हैं खाने में, ये जो भी घर में बन रहा है, वो डाइट रिच इन प्रोटीन होना चाहिए. डॉक्टर, पेरेंट्स की बात अक्सर जो किशोर हैं वो नजरअंदाज करते हैं, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट ही बोलते हैं, डॉक्टर की बात जरूर सुनेंगे. तो किशोरों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें? बच्चों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि अपने खाने पर जरूर ध्यान दें और फिजिकल एक्टिविटी अभी से बना के रखें. आप किसी भी को भी रोल मॉडल अपना बना सकते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है या फिर कोई हीरोइन है, उसको आप अपने रूम में एक पोस्टर लगा के रखिए कि आपको इसके जैसे फिट रहना है. सो वो एक इंसेंटिव रहता है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज रखें करें. पेरेंट्स की बात ज़रूर माने, और नहीं भी मानते हैं तो यूट्यूब पे भी आजकल, सॉरी, नेट पे भी काफ़ी ऐसी एडवाइस जानकारियां होती हैं कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं. तो फिटनेस जो है ना, वो बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए. जी जी, बहुत ही अहम डॉक्टर साहब आपने बात की है. अब बात करते हैं किशोरावस्था में तो बालिकाओं को ध्यान रखना ही है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा, शादी हो रही है और गर्भधारण से पूर्व की जो स्थितियां हैं उनको भी लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि गर्भधारण के दौरान और गर्भवती महिलाओं को तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं. तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कैसे ध्यान रखें? इसको हम लोग है ना प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में इतना है नहीं. कुछ कपल्स हैं जो हमारे पास प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आते हैं कि आप हमें बताइए, आर वी फिट टू हैव बेबी. तो उसमें कुछ ऐसे सर्टेन टेस्ट होते हैं जो हम लोग पेशेंट पर रन करते हैं, और दोज आर वेरी सिंपल टेस्ट. ब्लड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है. ब्लड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में हमें कॉमनली देखने को मिलता है वो एनीमिया होता है. तो इसमें सीबीसी हम टेस्ट जरूर करवाते हैं हीमोग्लोबिन लेवल देखने के लिए. फिर थायराइड इंडिया में काफ़ी कॉमन है. प्री कंसेप्शन थायराइड लेवल अच्छा नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो बेबी को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है. तीसरा, एक ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है वो थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाने के चांसेस होते हैं, जिनका नेगेटिव और जिनके हस्बैंड पॉजिटिव हैं, तो वो देखते हैं हम लोग. प्लस एक सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यूजुअली आजकल हम लोग ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करवाते हैं, जिससे ये पता चल जाए यूट्रस एंड ओवरी अपने बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं. जैसे एक मैं हाईलाइट करूँगी, एक केस था जिसमें वो लोग ट्राई कर रहे थे और कंसीव नहीं कर पा रही थी. पेशेंट का जब हमने ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कराया तो उसके दो यूट्रस थे और दो वजाइना थी. तो दो यूट्रस दो वजाइना नॉर्मल नहीं होते हैं. एक फीमेल में एक यूट्रस एक वजाइना होता है. सो वो आइडेंटिफाई किया, एंड देन लैप्रोस्कोपिकली एंड हिस्ट्रोस्कोपिकली, ये इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं आजकल लेटेस्ट, उसकी हेल्प से उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया
यूट्रस एक बनाया, वजाइना एक बनाई, एंड देन शी कंसीव्ड, और एक साल बाद उसने बेबी को बर्थ किया. बट उससे पहले, मेरे पास आने से पहले उसके 3-4 अबॉर्शन हो चुके थे. तो ये जो एक दुख उसने झेला ना, वो हम लोग बचा सकते थे पहले ही. हाँ, बिल्कुल, बिकॉज ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन ही होते हैं. तो अब आप ऐसे जो कपल्स हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं या माता पिता बनना चाह रहे हैं, उनसे क्या सजेस्ट करेंगे कि आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें? जी बिल्कुल, हमेशा जब भी आप प्लान कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके अगले महीने से ही आपको ट्राई करना है, ऐसा नहीं होता है. तो आप जब भी आपने प्लान किया कि अभी हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, उससे 2-3 महीने पहले एक बार डॉक्टर को विजिट कर लीजिए, सो दैट ये बेसिक जो चीज़ें होती है ना, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं. अब जैसे इंडिया में डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है, तो डायबिटीज़ काफ़ी प्रीकंसेप्शनल डायबिटीज़, HbA1c एक टेस्ट होता है जी, वो करा के देखते हैं. उसका लेवल यूजुअली 6 तक होना चाहिए. अगर 8 या 9 आपका है और उसी समय आपने कंसीव कर लिया, तो बच्चे में काफ़ी सारे विकार होने के चांसेस रहते हैं. बिल्कुल, उनको स्पाइन में दिक्कत या किडनी में दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, हार्ट में दिक्कत होने हो सकती है. जिन मदर के डायबिटीज़ प्री कंसेप्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को भी, आपको तो है ही है. जी, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें प्री कंसेप्शन पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी इज अ लाइक टेम्पल, तो आप उसके अंदर एक लाइफ को लेके आ रहे हो, तो वो एकदम फिट होना चाहिए, सो दैट आप भी आगे 9 मंथ्स के लिए हेल्दी रहें और बेबी पे भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो. बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर आप दे रहे हैं. एक बात आपने एनीमिया की बीच में कही कि एनीमिया आम तो समस्या है हमारे यहाँ महिलाओं में. तो एनीमिया न सिर्फ गर्भवती महिलाओं में, आम अगर तौर पर देखें तो भी एनीमिया एक बड़ी समस्या है महिलाओं में. तो इसको कम करने के लिए घर पे क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको समझें और इसके लक्षण और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए? एनीमिया मतलब अपन लेमन लैंग्वेज में बोलें तो हीमोग्लोबिन लो, खून की कमी. तो खून की कमी बेसिकली हीमोग्लोबिन लो है. हीमोग्लोबिन का काम होता है आपके लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना. आप समझिए, अगर वो कम है तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम जाएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, थकावट रहेगी और आपके किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, इवन मेमोरी लॉस भी होता है. तो जो यंग बच्चे कई बार आते हैं जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, एनीमिया होता है, उनको पढ़ने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, तो फिर पेरेंट्स बड़े परेशान होकर आते हैं कि इसका ध्यान नहीं लग रहा, कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, और सिंपल से ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि उसको एनीमिया है. सो एनीमिया एक चीज़ और हाईलाइट करूँगी यहाँ पे, थैलेसीमिया एक चीज़ और होती है. थैलेसीमिया में एनीमिया ही रहता है फीमेल्स को, उसमें हम चाहे आयरन दे दें चाहे कुछ भी दे दें, वो लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक बीमारी है. ये भी टेस्ट हम प्री कंसेप्शनल करते हैं, ये वाला टेस्ट, क्योंकि अगर ऐसा है तो उस वाले पेशेंट को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है और काउंसलिंग एक बिल्कुल अलग तरीके पे उस पे चली जाती है. बट जो आपने पूछा कि क्या करें, घर पे क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा सोर्स तो आयरन का आप जानते ही हैं, नॉनवेज होता है. जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं, तो आयरन कंटेनिंग फूड हमारे कम होते हैं. बट ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छा आयरन सोर्स होता है. बीट रूट है, गाजर है, टमाटर है, जो बच्चे आजकल लोग नहीं खाते हैं, तो वो आप लोगों को खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है. अगर आपकी कमी है, हम लोग आयरन की टैबलेट देंगे तो आयरन की टैबलेट से नेचुरली बढ़ेगा सही, बट उससे आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अपसेट, ये सब होने के चांसेस रहते हैं. तो वाई नॉट टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन लेवल विद नेचुरल सोर्सेज. बट नेचुरल सोर्सेज में जो कम है अपने भोजन में कम होता है, बट वो अमाउंट आप बढ़ाइए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं आप. स्पेशली मैं बताऊंगी बच्चों के लिए, चपाती में लगा दीजिए आप. बिल्कुल, चपाती जब भी बनाएं आप कोई ना कोई उसमें हरी सब्जी का कुछ भी काट के डाल सकते हैं. दाल अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर ये बथुआ है, पालक है, मेथी है, ये सब चीजें डाल करके आप सप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह से. जंक फूड को तो हमें बाय बाय कहना ही होगा अगर सेहत को प्रायोरिटी में रखना है. बिल्कुल, हम आयरन के साथ साथ थायराइड की भी आपने प्रॉब्लम बताई कि एनीमिया तो है ही, थायराइड भी, और थायराइड बच्चों में भी, किशोरियों में भी देखा जाता है कि थायराइड की समस्या होने लगी है. तो इसको भी कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या क्या सिम्टम्स होंगे और सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इसमें थायराइड जो ज्यादा कॉमन होता है, दो तरह के थायराइड होते हैं, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो. हाइपर माने ज्यादा और हाइपो मतलब कम. तो ज्यादातर कम वाला मिलता है. जो हाइपोथायराइड होता है, मतलब आपकी बॉडी में, हाइपो माने कम, थायराइड का लेवल कम हो गया है. तो जब ये कम हो जाता है तो आपके साथ इसमें अब क्या होता है, सबसे पहले फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, कम पीरियड होने लग जाते हैं, डिलेड भी होने लग जाते हैं. दूसरा, बॉडी पे स्वेलिंग आने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन आपकी ख़राब सी होने लग जाती है. तो ये सिम्टम्स अगर आप देख रहे हैं तो आप थायराइड ज़रूर चेक कराएं. अदरवाइज एनुअल हेल्थ चेक में हम लोग थायराइड वैसे भी फीमेल्स का चेक करते हैं, बिकॉज इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है. सो वो, हाँ, ईयरली हेल्थ चेक कराना बहुत ज़रूरी है.
उसमें ये पकड़ में आ जाता है। बट जो मैंने सिम्टम्स अभी आपको बताए, अगर वैसा दिख रहे हैं तो आप थायराइड टेस्ट जरूर करा लें। जी जी, बहुत ही अहम डॉक्टर आप बात कर रहे हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अक्सर महिलाएं अपने स्वास्थ्य की जानकारी तो रखती हैं, लेकिन वो जब डॉक्टर के पास जाने की बात आती है तो वो इसे डिले कर देती हैं और चेकअप कराना वो तो शायद भूल ही जाते हैं। तो अगर आपको जिस तरह के लक्षण डॉक्टर बता रहे हैं, उस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कोई बात आपको लग रही है, तो चेकअप जरूर कराएं, अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर साहब, वर्किंग वुमन के लिए मैं जानना चाहूंगी, वर्किंग वुमन एक बहुत बड़ी समस्या से अक्सर जूझती है और वो है यूटीआई। जी, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने पड़ते हैं और अक्सर और वो इसको फिर सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको उतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, वो केयर नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें, क्या हो सकता है? ठीक है, इसका तो देखिए सबसे ये बहुत, क्योंकि ऑफिस गोइंग जो लेडीज होती हैं मेरे पास काफ़ी आती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंसी बढ़ना, जलन होना, बार बार आना। सो ये इसका रीज़न एक जो हमें समझ में आता है, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। जैसे 10 लोग एक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, एक को यूटीआई है, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पर है, वो ट्रांसफ़र होता है। सो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें प्रिवेंशन के लिए मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे। एक तो ये कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं तो आप एक टॉयलेट टिश्यू पेपर यूज़ करने की आदत डालिए। टिश्यू पेपर से वो एरिया एकदम ड्राई करके रखिए, एक तो ये। दूसरा, ये सैनिटाइज़र आने लग गए हैं आजकल, टॉयलेट सीट को अपन सैनिटाइज कर सकते हैं। सीट ही नहीं, अंदर जो कमोड होता है जहाँ पे स्ट्रीम जाती है, बिकॉज जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है। इट्स नॉट, एक मिसकंसेप्शन है कि आप सीट पर ना बैठें, सीट के बैठने से नहीं होता, जहाँ स्ट्रीम जा रही है उस जगह से बैक्टीरिया एरोसोल के थ्रू ऊपर आते हैं। सो एक अच्छा ये रहेगा कि वो जो सैनिटाइजर आता है उसे स्प्रे कर दें, 30 सेकंड्स तक आप वेट करें एंड देन यूज दैट टॉयलेट। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो मैं ऑफिस गोइंग, हाँ, ये ऑफिस गोइंग लेडीज को मैं काफी बताती हूँ। नाउ द सेकंड थिंग, आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, बैठे, वाटर डेफिशिएंसी, आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं। सो कम से कम 2 से 3 लीटर लिक्विड किसी भी फॉर्म में लीजिए आप, वो जरूरी है। उससे क्या है कि फ्लशिंग होती रहती है और बैक्टीरिया ऐसे ब्लैडर में कलेक्ट नहीं होते हैं, एक ये भी एक चीज़ होती है। दूसरे, मैंने देखा है कुछ पेशेंट कहते हैं, मैम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है इसलिए मैं पानी नहीं पीती हूँ। सो दैट इज़ नॉट देयर। स्कूल के बच्चे भी जैसे आते हैं यूटीआई के लिए, बहुत ज्यादा वो यूरिन होल्ड करके रखते हैं कि घर जाके ही करेंगे, और ये बड़ी आम समस्या है। महिलाएं भी कई बार इस डर से यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तो इससे कितना नुकसान होता है? यूरिन होल्ड करने से ब्लैडर की, जबकि देखिए वॉल तो वीक होती होती है, साथ में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वगैरह ये चीजें बाद में डेवलप हो जाती है, नॉट इन अर्ली एज, बट हाँ अगर आप होल्ड करके रखेंगे काफी देर से तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जी जी, अगर आपको हल्का सा भी इन्फेक्शन पहले से है, आपने होल्ड किया हुआ, तो और बढ़ेगा वो। तो इसलिए आपको रिपीटेड, जब भी आपको अर्ज होती है, यू शुड गो देयर, और बट पानी पीना नहीं बंद करना चाहिए। जी जी, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने इन्फेक्शंस की बात की, इस तरह के इन्फेक्शंस को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल, और एक सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्या जिसमें हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इस चीज को लेकर अवेयरनेस भी कम है, और अगर जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको समझ भी नहीं पाते कि आखिर ये है क्या, है क्या, तो वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ है ड्यू टू मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी इज कैंसर, कैंसर का अगर फीमेल में हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर है, इंडिया में बहुत कॉमन है। सो इसके लिए एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जो हम लोग ईयरली करते हैं, जब आपकी शादी हो जाए या सेक्शुअली एक्टिव हैं, उसके अगले 10 साल तक आपको, सॉरी 5 ईयर्स तक ईयरली पैप्समेयर कराना होता है। पैप्समेयर एक बहुत ही ओपीडी बेस्ड टेस्ट है, एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, और जो सर्विक्स होता है जिसको हम लोग आम भाषा में बच्चेदानी के मुंह कहते हैं, उस मुंह पे से जो डेड सेल्स होती हैं ना, वो हैं, हम लोग इसको निकाल लेते हैं और उसको लैब में भेजते हैं, स्लाइड पे स्प्रेड करके उन सेल्स के करेक्टर देखा जाता है कैसा है। सो दिस इज द कैंसर जो अर्लीस्ट डिटेक्ट हो सकता है, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने, आप अगर बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ा है तो आप यूट्रस हिस्टेक्टमी कर दीजिए, डिजीज निकल ही गई ना, वो ऑर्गन ही नहीं बचा। ये तो वो बात हुई डॉक्टर कि हम पहले से अवेयर हैं, लेकिन इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि ऐसी कोई समस्या हो गई है? जैसे महिलाएं हैं वो कैसे सजग रहें कि ऐसी किसी समस्या की ओर वो बढ़ रही हैं, या क्या लक्षण क्या हो सकते हैं? इसका लक्षण होता है कि आपके एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो जब भी एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज है, आपको एक बार एग्जामिनेशन के लिए जरूर आना चाहिए, और उसके साथ हम लोग पैप्समियर टेस्ट जरूर लेते हैं। जी, पैप्समियर एक तो हमें रूल आउट कर देता है वेदर दिस इज इन्फेक्शन और कैंसर। इन्फेक्शन का तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत आसानी से है, अगर बट अगर कैंसर है, बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है,
तो अपने को भी पता है कि कैंसर अर्ली स्टेज पे तो बहुत अच्छा उसका क्योरेबल होता है। इसका टीका भी आ गया है डॉक्टर, हमने सुना है जी, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर्वाइकल कैंसर का टीका अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी डालने का अभी चल रहा है उसका। ये जो टीका होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट होता है। देखिए जो सर्वाइकल कैंसर होता है वायरस से होता है, तो वायरस के अगेंस्ट तो टीके बनते ही हैं, जैसे कोरोना के बना है, द सेम वे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन है। इसको यूजुअली 9 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक की एज पे अपन लगवा सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है कि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हो उससे पहले लगाएं, कि एक्सपोजर ऑफ वायरस थ्रू इंटरकोर्स होता है, तो उससे पहले अगर लगाते हैं तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। सो बालिकाओं को जैसे 9 ईयर्स से लेकर के अनटिल दे गेट मैरिड तब तक अपन उस बीच में इम्यूनाइज कर दें। इसके 3 टीके लगते हैं, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे, 6 मंथ पे। दूसरी कंपनी है एक जो इसमें और भी स्ट्रेन है इसमें, उसका 0 मंथ पे, 2 मंथ पे एंड 6 मंथ पे लगता है। तो इसकी स्केड्यूलिंग अलग अलग तरीके से होती है, बट इसकी एक बात और साथ में बताऊंगी, इसमें इसकी एफिकेसी 70-80% होती है। ये नहीं है कि आपने लगवा लिया तो आप 100% सिक्योर हो गए, राइट? तो भी आपको 20% जानने के लिए कि आपको हो तो नहीं रहा है, पैप स्मियर फिर भी कराना पड़ेगा। जी, बहुत ही अहम आप डॉक्टर बात कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी आम तौर पर महिलाओं में नहीं होती है और इस तरह की चर्चाएं भी घरों में नहीं होती है कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास हो। डॉक्टर, इसके अलावा जैसे ये जो स्थितियां हैं, कई बार महिलाएं स्ट्रेस में चली जाती हैं, मोनोपोज आ रहा है, या फिर कई बार जो पीरियड्स के दौरान भी उनको बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे जो अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज सामने आते हैं और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हैं कि ये हो क्या रहा है उनके साथ, तो इस तरह की समस्या को कैसे समझें? देखिए, मेनोपॉज में स्ट्रेस बहुत कॉमन है, और उस समय क्या होता है, जब तक एक फीमेल मेनोपॉज तक आती है तो आपके बच्चे कॉलेज गोइंग होते हैं, उनकी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, वो एक ह्यूमन बीइंग अलग एडल्ट हो गए, डिटैचमेंट फ्रॉम मदर शुरू हो जाता है। और हस्बैंड आपके ऑफिस में बिजी हैं, तो उस समय एक वर्थलेसनेस की फीलिंग शुरू हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो दोनों चीज़ें मिक्स होकर के ना आपको एक डिप्रेशन वाले एनवायरनमेंट में लेके जाती है, स्ट्रेस में ले जाती है, एनजाइटी हो जाती है आपको, आपको लगता है कि आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा है इस लेवल तक के डिप्रेशन एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज जब अटेंड कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि घर पे जितने भी मेम्बर्स हैं, आप अपने मदर का उस समय बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी हैं उनको ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बट उस समय आपको बहुत ही एम्पैथी रखनी होगी मदर को लेकर के, क्योंकि इसको हम बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट कहते हैं। बहुत है, कई बार मुझे हस्बैंड को बुला के भी काउंसिल करना पड़ता है, कई बार बच्चों को बुला के काउंसलिंग करनी पड़ती है, बिकॉज इन चीजों का क्या होता है, मेडिसिन कब तक चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, और आपको अपने सराउंडिंग सपोर्ट ज्यादा चाहिए, इमोशनल सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है। उस समय समझने की बहुत जरूरत होती है कि वो मेनोपॉज की तरफ जा रही है तो उनका कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे वो बच्चे कहते हैं मम्मी बहुत चिड़चिड़ाने लगी हैं, बिना बात पे गुस्सा करने लग गई हैं, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेनोपॉज में मदर का कोई कंट्रोल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शी इज गोइंग थ्रू अ थोड़ा सा रफ फेज ऑफ हर लाइफ, और ये फेज खत्म हो जाता है एक समय के बाद, बिल्कुल हो जाता है। बट हाँ, इसके लिए आप जल्दी भी कर सकते हैं इसको खत्म, कैसे, जैसे योगा है, योग है, ध्यान है, वाकई ये वर्क करता है, बिकॉज ये जब आप योग और ध्यान में होते हैं कुछ एंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं बॉडी में, एंड दैट कीप्स यू काम, तो वो आपको स्टेबलाइज करते हैं। योगा है, ध्यान है, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, नेचुरली 50 की एज पे मैं नहीं कहूँगी कि आप जिम जाके वेट लिफ्ट करें, बट हाँ एक मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ कि आप ये जो अपनी वाटर बॉटल होती हैं, 2 बॉटल्स में 1-1 लीटर पानी भरिए, 2 किलो हो गया, एक्सरसाइज करिए, अब आप वॉक कीजिए उसको लेकर के, काफ़ी वॉक कीजिए, है ना, फ्रेंड्स के साथ मिलिए, अपने अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में मूव कीजिए, अपने आप को ध्यान डाइवर्ट करें, योगा करें, कहने का मतलब अपने आप को प्रायोरिटी में रखें और एक्टिव बने। एब्सोल्युटली, एक बात और जाते जाते डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हम क्या करते हैं, महिलाएं भी अक्सर कोई टीवी पे कोई एड देखा, मेरा मोटापा कम हो जाएगा, या मुझे कोई हेल्थ इश्यू है तो इसका सोल्यूशन ये है, या न्यूज पेपर में कोई एड देखा और उस प्रोडक्ट को हम यूज करने लगते हैं, तो ये कितना हार्मफुल है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आयुर्वेद खराब है, एलोपैथ खराब है या होम्योपैथ खराब है, तीनों की अपनी अपनी वो है, बट अगर आप आयुर्वेद मेडिसिन भी लेते हैं ना, तो आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में लीजिए, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट एंड उसके इफेक्ट
दोनों पता होते हैं। तो कभी भी ऐसे नेट पे और इस पे ऐड को देख करके नहीं जाइए। मोटापा कभी भी किसी चीज के खाने से नहीं होगा, बिल्कुल। ये आपकी आपका जितना इनपुट है और आप जितनी एक्सरसाइज कर पाते हैं, आपकी कैलोरी इनटेक जितनी है उतना आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, यानी उसका बैलेंस ही तो आपकी बॉडी शेप है। बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारियां डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बैलेंस करना है, चाहे वो डाइट हो चाहे अपनी लाइफ हो, उसको बैलेंस करेंगे तो शायद हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। तो जितनी भी जानकारियां डॉक्टर विभा ने दी है बहुत अहम है, बहुत आसान है, बस हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने की जरूरत है। और जितनी भी महिला दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किशोरियां देख रही हैं, उनसे खास तौर पर ये कहना है कि खुद को प्राथमिकता में रखिए। घर के बाकी काम या दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप खुद स्वस्थ होंगे तो बाकी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अपनी सेहत को प्रायोरिटी में रखिए और अपनी सेहत के लिए सजग रहिए। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करिए और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं वो लगातार लेते रहिए। आज का कार्यक्रम बस इतना ही, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।